हाँ जी फोर्थ क्वेश्चन दे देगा। फोर्थ क्वेश्चन में वो ये कहता है द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सच एज राइट एंगल एट द सेंटर। एक सर्कल है जिसमें कॉर्ड है जो सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है। ठीक जी, वो कह रहा है फाइंड एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट बेटा यही तो होगा। ठीक है, हमने क्या लिखा था, एरिया ऑफ, इसको ए मान लीजिए, इसको बी, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये तो लिखा था ना, एरिया ऑफ सेक्टर कितना है 360 माइनस स्क्वायर माइनस, जब 90 डिग्री था तो फॉर्मूला क्या लगाना था, 1/2 बेस इनटू राइट। यहां तक किस किस के क्लियर हो गए, एकदम बात इसीलिए कह रहे हैं यहां तक 90/365 आर स्क्वायर माइनस 1/2 बेस कितना होता है और हाइट भी कितनी है। सर हमें कैसे पता चलेगा सर बेस और हाइट कौन सी है? अरे 90 के ठीक सामने वाले तो हाइपोटेनस होगी, बाकी दोनों में से एक बेस रहेगा, ठीक है, क्या फर्क पड़ रहा है। 1/4 22/7 into 100 minus 50 25 by 7 minus 50 that is 550 minus 350 upon 7 that is 200 upon 7 centimeter square। clear हो गई बात, easily clear है। अभी तक क्या मैंने फॉर्मूला लगाने के नाम कोई दूसरा नाम दिया नहीं, ये पूरा सेट ऑफ फॉर्मूला बेस ही है। उसके बाद दूसरा हो सकता है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के लिए मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट निकालने के लिए मैं सर्कल के लिए माइनस सेगमेंट के लिए क्या करूंगा, माइनस पाई r square minus 200 by 7, 22 by 7 into 10 to the whole square minus 200 by 7, that is 2200 by 7 minus 200 by 7, that is 2000 by 7.
इसमें छोटा सा काम करना पड़ेगा। इधर देखो ये उतार लिया, इसके लिए हमें माइनस मेजर सेक्टर पूछा है। क्या पूछा है? मेजर सेक्टर। जल्दी हमने सोच लिया क्या पूछा था? मेजर सेक्शन। चलो कोई नहीं, सीख तो गए बेटा, ठीक है उसको उतारना मत। मेजर सेक्टर बताया था एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कितना हो जाएगा? 360 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। याद है फॉर्मूला भी दिखाया था, तो 360 माइनस 90 अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। सेक्टर 270 है 360 इनटू 22 बाय 7 इनटू 18। एक फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, लेंथ ऑफ आर्क, ए आर सी लेंथ ऑफ आर्क। इसके बाद हम बैठ के क्वेश्चन नंबर 5 6 7 तक करेंगे। ओके बेटा, आप लोग सब लोग क्वेश्चन 5 6 7 तक करेंगे, मैं प्रॉब्लम 7 तक क्वेश्चन की कर लूंगा, उसके आगे मैं खुद पढ़ाऊंगा।